हे गाइस, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के साथ मैं एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही लड़कियों के फेवरेट एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि अगर आँखों में मेकअप हो तो फुल मेकअप करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती आँखों में, और लिप्स पे थोड़ा सा मेकअप हो जाए तो आप लोग हमेशा रेडी रखते हैं और ये क्विकली मेकअप होता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई लाइनर रिव्यू, जो कि SQ का है। SQ के प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं उनको यूज़ कर रही हूँ, सो दैट आप लोगों के साथ मैं वही शेयर करूँगी। तो क्योंकि उसके प्रोडक्ट काफ़ी, जैसे मतलब मैं आपके साथ आज ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ, जैसे मुझे अच्छे लगे हैं तो मैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर लाइनर की बात की जाए तो इस टाइम मैं लाइनर लगाई हुई हूँ, आप देख सकते हैं, बिल्कुल पास से दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल देखिए। तो इसकी अगर लाइनर की बात की जाऊँ तो एकदम स्मच प्रूफ, और इसकी पैकेजिंग अगर बात करूँ तो बहुत ही अच्छी है। तो आप लोग एक बार ज़रूर इसके लिंक पर जाकर देखें, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अभी दिवाली ऑफ़र भी चल रहे हैं तो कूपन कोड भी आपको कमेंट सेक्शन में पिन है, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर चेकआउट करें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है SQ का लाइनर, ये कुछ इस तरह से, और ये बहुत ही अच्छा लाइनर है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेकअप करना तो मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को पता है कि मैं मेकअप करना बहुत ज़्यादा ही पसंद करती हूँ। सो मैं आज आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर कर देती हूँ। काफ़ी दिनों से मैं इसको यूज़ कर रही थी, सो मैंने आज इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। तो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, इस तरह के डिब्बे में। और अगर मैं इसके अंदर की पैकेजिंग की बात करूँ तो इतनी प्यारी पैकेजिंग है, छोटा सा इतना प्यारा सा है, और इसमें बहुत ही अच्छी डिज़ाइन में है, ये आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं स्टिक की बात करूँ ना, इसको पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छी ये स्टिक दी है, क्योंकि हम और भी कोई लाइनर लेते हैं ना तो हमें जो ऊपर की स्टिक होती है, ये जो पार्ट होता है वो बहुत ही छोटा मिलता है, जिससे हम लगा नहीं पाते। लेकिन अगर इसका पार्ट हमें इतना ग्रिप, हम बहुत अच्छी तरह से इसे पकड़ सकते हैं तो हम इसे अच्छी तरह से लगा सकते हैं। और इसको इस तरह से भी, अगर बहुत सारे लोग विंग्स लाइनर यूं करके लगाते हैं, मैं ना पहले यूं लगाती हूँ फिर इसको यूं करके लगा दूँ, दोनों तरफ से लगाती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मेरा लाइनर एकदम परफेक्ट लगता है, एकदम परफेक्ट लगता है। सो मैंने यही वाला लाइनर लगाया हुआ है। सो आप इसको इस तरह से, और वैसे बहुत सारे लाइनर फैल जाते हैं तो इसमें फैलने का कोई भी नहीं है, तो सूखने का भी डर नहीं है। तो एक बार आप इसको मंगा कर देखें और यूज़ करके मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, कूपन कोड यूज़ करना ना भूलें। तो आप लोगों को कैसा लगा लाइनर, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, सो मैंने आपका रिव्यू शेयर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, और कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं और दिया नन्नी करके आ चुके हैं। दिया भी नहा लियो, दिया देखो, दिया मैं और दिया नन्नी करके मतलब नहा कर आ चुके हैं, और मैंने यहाँ पर सर वॉश करा है, और दिया का भी सर वॉश करा है। तो दिया ने तो छोटी करा ली है ऑयल करा के, लेकिन मैंने थोड़े से बाल अपने सूखने दूंगी, उसके बाद ही मैं ऑयल डालूंगी। और मैंने ना कपड़े सर्फ में मैं डब करके रख आई हूँ, और अभी मुझे खाना वाना मैंने कुछ नहीं बनाया है, आप लोगों को बताऊँ सीरियसली तो मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया है। मैं वीडियो एडिटिंग की थी मैंने अभी, और अभी मुझे खाने में कुछ जो बनाती हूँ, देखो मैंने फली जो थी वो मैंने कट कर ली है, उसको ही बनाना है मुझे, और दाल बनाऊँगी आज मैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं दाल बनाऊँ। दियो नहीं, बेटू नहीं, मैं बात कर लूँ तब बात करती हूँ आपसे। वहीं रख दो। तो दिया बोल रही है मैं नानी के जाऊंगी, और मेरा भी मन है कि मम्मी से मिलने का, काफ़ी दिन हो गए मम्मी से मिली नहीं हूँ, तो इसी वजह से मेरा भी मन है, और मम्मी के हाथ का खाना खाने का बिल्कुल बहुत मन कर रहा है। और इसके बाद मैंने देखो सब्जी बनाती हूँ, थोड़ा सा ही खाना बनाऊँगी, दाल बनाती हूँ, दाल बनाऊँगी थोड़ी सी, और जो फली की सब्ज़ी है वो फली की सब्ज़ी बनाऊँगी या दाल बनाऊँगी, एक ही चीज़ बनाऊँगी, क्योंकि अगर मैं मम्मा के अगर ठीक है तो मैं उनको सर्फ में डब करके रखाई हूँ, और दिया भी नाली है, मैं नाली हूँ, झाड़ू लग गई, पोछा लगाना रह गया है, तो मैं सोच रही हूँ दिया को थोड़ा सा लिटा दूँ और उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी।
पोंछे वोछे लगाऊंगी तो मैं अपने बालों को क्लेचर कर लूंगी, क्योंकि क्लेचर नहीं तो बाल बार बार मुंह पे आ रहे हैं। आप लोगों को पता छोटे बाल है मेरे इसके कारण से, और आज मैंने अभी चेहरे पे कुछ भी नहीं गला कराया है। मतलब अपनी मॉर्निंग रूटीन जो होता है वो भी नहीं करा है, ना कुछ भी नहीं डाल लगाया है चेहरे पे कुछ भी। तो ये मेरा नेचुरल लुक है, इतना ही मेरा कलर है, ऐसा ही कलर है, और मेरे ओठ भी ऐसे ही हैं। आप लोग बोले लिपस्टिक लगाई हो ये करी हो, सब कुछ नहीं है मेरा, ऐसे नेचुरल है। हाथ पैरों पर भी अभी मैंने कुछ नहीं लगाया, तो थोड़ा वैसा होता है ना इचिंग सी, मतलब इचिंग नहीं सॉरी ड्राइनेस सी फील होने लगी है। तो क्यों अभी कपड़े वगैरह धोने हैं मुझे, और अभी बोले तो कुछ काम भी करने हैं, है ना दी? तो दीव बोलेगी आपको मेरा बेटा, क्योंकि आजकल हम नहीं है गंदा बच्चा। एक बार मौसी से हाय कर दो। अरे मेरे आ गया आ गया आ गया, मम्मी तो बाबू आ गया आ गया आ गया। तो दीव देखो, दीव देखो देखो, छोटा बच्चा किधर चला गया है, छोटा बच्चा छोटा बच्चा छोटा बच्चा छोटा सा बच्चा है, छोटा सा। सब लोग कहते हैं, पता सब लोग क्या कहते हैं, ये बोल पता सब लोग क्या कहते हैं, जो कहते हैं हमें तो दिया बहुत अच्छी लगती है, और दिया बहुत प्यारी गुड़िया है। कुछ नहीं पता है, दिया कह रही है दिया, आप लोग कहते हो ना दिया आप सबको अच्छी लगती है, तो दिया सबके प्यार कर दो एक बार, फ्लाइंग किस कर देना एक बार कर दो एक बार। आज दिया का मन नहीं है, अदरवाइज दिया खुद से कर दो। अच्छा वो करती है ना सिस्टर, करती है आपकी, एक बार कर दो हाय। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तो फिर ऐसे सुना लेते। हेलो हाय गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? मैं जब भी कैमरा ऑन करती हूँ तो ये जरूर बोलती हूँ। और अभी आई थी मैं छत पर आई थी मैं कपड़े डालने, जैसे कि आपको ये दिख रहा है कपड़े। आज मैंने चादरें वगैरह वॉश करे थे मॉर्निंग में, वीडियो शूट नहीं करी थी, और ये देखिए यहाँ पर कपड़े डाल दिए हैं मैंने। और आज है ना नीचे ना, नीचे वाली भाभी की है ना थोड़ी सी तबीयत खराब थी, और देखिए पीछे दादाजी वगैरह क्या कर रहे हैं, और सबके है ना क्लीनिंग हो रही है। वो दिखाती हूँ कि देखिए सबके है ना मोस्टली क्लीनिंग हो रही है, तो थोड़ी बहुत तो मेरी भी हो गई है, फिर थोड़ी सी रह गई है। और अभी मैंने सर में वॉश मतलब ऑयल वगैरह जो था वो नहीं डाला है, और जो भाभी रहती है नीचे उनकी हो गई है तबीयत ख़राब, तो मुझे ना नीचे की क्लीनिंग भी करनी है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से नीचे पहुँच गई बात कर। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ बर्तन वगैरह सेट, और मुझे बनानी थी जैसे कि दाल, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दाल बनने रख दूँगी, और यहाँ पर आप लोगों की दीपावली की सफाई वगैरह हुई या नहीं हुई ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पर है ना वीडियो चला ले रही हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं ना मोबाइल चलाकर ही काम करती हूँ, क्योंकि माइंड ना मतलब देखती भी जाती हूँ और काम भी करती आती हूँ, ये मेरी हैबिट है, चाहे आप हैबिट समझ लो चाहे कुछ भी। और कल के जो मैंने लाइनर का रिव्यू शेयर करा है तो उसका कमेंट सेक्शन में पिन है लिंक, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, और उसके बाद ज़रूर चेक करके मुझे बताना आपको कैसा लगा, और इस प्रोडक्ट को मैं गिव अवे में रखूँ या नहीं रखूँ ये भी मुझे कमेंट में बताना, और क्या क्या चाहिए आपको ये भी। तो गाइज मैं यहाँ पर है ना जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाभी है ना कि तबीयत सही नहीं थी, सो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ आंगन वगैरह की। भाभी की तबीयत ख़राब हो गई, नहीं तो वो सुबह नहाने से पहले काम वगैरह कर देती हैं, और हम मैं मंदिर करके आती हूँ तब तक वो आंगन के झाड़ू पोंछा कर देती हैं, और नहीं तो मैं कर देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुझे नंद मानती हैं इसलिए, लेकिन मैं हम लोग बराबर काम कर देते हैं, जैसे हमें लगता ही नहीं है कि मतलब ये मेरे परिवार की नहीं है, ऐसा कुछ मुझे आज तक महसूस ही नहीं हुआ है। बहुत अच्छा लगता है, और इनकी सास भी बहुत अच्छी हैं, वो आप लोगों ने देखा ही है मेरे ब्लॉग में, कई ब्लॉग में वो आई हुई हैं।
यहाँ पर ये वीडियो है ना उनका लड़का ही बना रहा है, तो इस वजह से वो पता नहीं क्या कर रहा है। मैंने तो उसको कैमरा दे दिया था, सो वही बना रहा है। और यहाँ पर है ना पेंट वगैरह काफ़ी छूट गया है, तो मैं उसी को सेट कर रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, आप लोग बोलते हैं आपको दिया की मस्ती बहुत पसंद आती है, सो मैं यहाँ पर दिया की मस्ती आप लोगों को दिखा रहा है वो। और आप लोगों मुझे गिव अवे का ज़रूर बता देना कि कौन कौन से प्रोडक्ट रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं। आप एक बार आईलाइनर चेक करना उसके लिंक पर जाकर, और आपको कैसा लगा ये कमेंट बताना। मैं ख़रीदने की नहीं बोलूँगी कि ख़रीदो, अगर पसंद आए, अच्छा लगे और आपको ज़रूरत हो तो इस टाइम बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, बहुत ही अच्छा ऑफ़र चल रहा है, तो आप लोग ले भी सकते हैं। और अगर आपको नहीं लेना है तो एक बार लिंक पर जाकर चेक करके और मुझे अपना रिव्यू दें, जैसे मैंने आपको अपना रिव्यू दिया वैसे आप अपना रिव्यू दें। तो एक बार लिंक पर जाएँ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आप लोग बोलते हो ना कि दीदी आप टाइटल ऐसे डाल दिया वैसे टाइटल डाल दिया, तो एक बात बताइए गाइस, मैंने ना कल टाइटल बहुत सिंपल डाला तो किसी ने भी वीडियो नहीं देखा। और अगर मैं टाइटल वही ट्विस्ट करके डाल देती, घुमा फिरा कर, टाइटल वही होता है बस, सेंस वही होता है बस, घुमा देती हूँ उस टाइटल को, मतलब आगे पीछे कर देती हूँ, सो सब लोग देखते हैं। और कल मैंने ना टाइटल एकदम सिंपल से डाल दिया तो किसी ने भी वॉच नहीं करा, और काफ़ी लोग बोल रहे थे, इसी वजह से मैंने आप लोगों से ये बात शेयर कर दी। मैं टाइटल अगर घुमा दूँ, टाइटल तो वही होता है, सेंस भी वही होता है, बस ये है कि थोड़ा आगे पीछे करना होता है। तो मैंने कल नहीं करा तो आप लोगों ने देखा नहीं, इसीलिए मैं चेक कर रही थी कौन कितना मुझे मतलब पसंद करता है। तो मुझे कल पता चल गया कि मुझे कौन लोग कितना पसंद करते हैं, सो दैट मैंने कल चेक कर लिया। और सबसे अच्छा मुझे है ना निशा दीदी का कमेंट लगा, जिसको मैं कम्युनिटी पे डालूंगी। सबसे अच्छा ये नहीं बोलूँगी कि सबके ही अच्छे थे, ऐसे गीता मीना है या कुसुम बुद्धा करके, ये लोग हमेशा फर्स्ट पर आते हैं कमेंट करने पर, हमेशा फर्स्ट पर ही आते हैं। सो मैं निशा दीदी का मुझे इतना अच्छा कमेंट लगा, इतना अच्छा। एक ये पंखिल वालिया करके है, वो भी बहुत अच्छा कमेंट करती हैं। हैं कई सारे लोग जो बहुत ही प्यारा कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट व्लॉग में आपका नाम लूँ तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपका नाम ले लूँगी, या किसी का बर्थडे वगैरह होगा तो वो भी विश कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरा रूम वगैरह सेट हो गया है, और अब मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिना ऑयलिंग के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आप लोग बोलेंगे दीदी आप कौन सा ऑयल यूज़ करती हो, सो मैं इसका रिव्यू भी शेयर कर दूँगी, कमेंट करके बताना अगर आपको जानना है। ये जो ऑयल है ना बहुत लाइट वेटेड है, और इसमें लगाने के बाद पता ही नहीं चलता कि आपका मतलब बाल वगैरह मतलब कुछ डला हुआ भी है। और आप लोग बोलते हैं कि दीदी दिया की मस्ती शेयर किया करो, तो मैंने मस्ती भी शेयर करी है उसकी कि वो किस तरह से मस्ती करती है। और मुझे यहाँ पर दिया की ऑयलिंग वगैरह भी करनी है, सो मैं उसकी भी करूँगी अपने बॉयल में ऑयलिंग करने के बाद। और एक साइड मैंने मैगी बनने रखी हुई है, तो वो मैगी बन रही है मेरी, तो फिर मैं और दिया वो मैगी को इन्जॉय करेंगे। तो आप लोग भी खा लीजिएगा मेरे साथ मैगी। और इधर मैं सारे बाल वगैरह कंघा वगैरह जगह पर रख दी हूँ, और इस तरह मेरी मैगी बन गई थी। तो मैं मैगी के साथ, मेरा क्या मन कर रहा था मैगी खाने के बाद मैं पराठा खाऊं मैगी से, तो मैं पराठा भी खाऊंगी मैगी से। शायद मैंने वो वाला सीन कट कर दिया है, बट मैंने एक पराठा खाया था मैगी से, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और मुझे है ना थोड़ी सी लिक्विड मैगी पसंद है, सो इसकी वजह से। तो चलिए फिर आप लोग भी इंजॉय करिए। तो अभी हो रहा है इवनिंग के आई थिंक 8 या 8:30 बज रहे होंगे, और मैंने सारा काम करके फिनिश हो चुकी हूँ रात का। मतलब कि मैं आपको बताऊँ, कपड़े वगैरह जो सुबह धुलते हैं वो तय बनाने होते हैं, वो तो डेली का ही होता है, तो वो मैंने वो रख दिया है। और बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं, अब मुझे पढ़ाना है थोड़ा सा, दिया को 1 घंटे में पढ़ाऊँगी। तो अभी क्या हुआ था कि ऊपर वाले बाबा मतलब हम मतलब गुरुजी पंडित हैं, लेकिन वो सभी धर्म के शास्त्र वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो वो हम लोगों के महाराज जी के प्रवचन सुन रहे थे, तो बोले थे रिंगल देख ऊपर आ जा, और महाराज जी के प्रवचन आ रहे हैं। तो मैं ना फिर छत पर गई थी, तो थोड़ी देर प्रवचन वगैरह सुने, तो फिर नीचे आ गई। और मॉर्निंग में मैंने सर वॉश करा था, तो मेरी हैबिट है कि मैं ना बिना ऑयलिंग के रह नहीं पाती हूँ, तो मैंने ऑयलिंग कर ली है, लेकिन बिंदी कुछ नहीं लगाई है। आप लोगों को बताऊँ तो वो अब डाइट हो रही है, अब क्या लगाऊँ, मॉर्निंग में लगाऊंगी। तो सो दैट मेरा सारा काम हो गया है, और दिया खेल रही है बाहर, और बस यही था। और अभी क्या हुआ था कि हाँ,
हमारे जो कल एक गुरु जी थे ना, हमारे जो गुरु जी एक ना समाधि ले लेते हैं 12 साल पहले, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिसके कारण से वो खुद से ना समाधि ले लेते हैं, मतलब भक्त स्वर्ग की ओर एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये मोक्ष जो उनको मोक्ष मिलता है ना, तो उसके लिए एक एक सीढ़ी होती है, वो चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसके कुछ बहुत सारे वो होते हैं रूल्स, को मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी। तो जो होते हैं, तो उनकी समाधि हो गई थी महाराज जी की, 5 दिन से संलेखना पर थे। संलेखना का मतलब होता है खाना पीना और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ छोड़ देते हैं कि कुछ भी नहीं खाते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं। तो इस तरह से फिर वो संलेखना पर थे, तो कुछ मतलब ख़त्म हो गए, तो मतलब समाधि हो गई उनकी। तो 5 दिन तो परसों हुई है। तो फिर हमारे गुरुजियों ने परसों उपवास रखा होगा, कल का उपवास रखा होगा, कल उन्होंने कुछ भी आहार वगैरह नहीं लिया होगा, क्योंकि गुरुजी अगर एक होता है ना, एक मतलब दुख तो होता है ना कि इतने बड़े महापुरुष हमारे बीच से मतलब चले गए हैं, तो बस यही है। और दिया को मैंने सुबह ही ऑयलिंग कर दी थी, कि उसके बाल में थोड़ा डैंड्रफ ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से ऑयलिंग मैंने कर दी थी। तो मैं ना एक दो दिन पहले लेकर आई थी, चादरा लेके आई थी दीपावली पे बिछाने के लिए। वैसे मेरे घर में ना मेरे ददिया ससुर के भैया, मतलब कि मेरे ससुर के चाचा, मतलब मेरे ससुर के चाचा एक्सपायर हो गए हैं, तो हम लोगों के दीपावली में पूजा वगैरह तो शायद नहीं होगी। वो दीपावली अच्छी तरह, ज़्यादा अच्छी तरह तो सेलिब्रेट नहीं करी जाएगी, बट एक तो वैसी भी बात है कि इतनी एज पर आजकल के इंसान नहीं ख़त्म होते, आजकल के इंसान 60 से 70 साल तक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी एज पर ख़त्म हो गए हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो बस यही है। उसके बाद दीपावली पर ज़्यादा वो तो होंगे नहीं, और मुझे आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी दिनों से करती, तो मुझे चादर लानी है, तो इसकी वजह से तो मैं चादर लेके आ गई हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ, तो ये चादर है, इसका ये प्रिंट है, तो मैंने सोचा कि दिखा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत तो बाहर से मैं कह रही थी मुझे पर्दे लेके आने, तो पर्दे तो मैं नहीं लेके आई, इतने पैसे मतलब जितने मतलब हो जाते हैं ना अपने बजट के हिसाब से चलना चाहिए, तो उतने तो मैंने पर्दे तो नहीं लिए हैं, लेकिन ये चादरा है। डार्क कलर में आप लोगों को पता है कि बेड किचन हमारी एक ही रूम में है, और सोना भी एक ही रूम में होता है, तो क्या होता है कि हमारे चादर जल्दी गंदी हो जाती है, जिसके कारण मुझे आप लोगों को पता है कि मुझे चटाई बिछानी पड़ती है, कि पैर वगैरह ज़्यादा उस पर नहीं जाए, चादर जल्दी गंदी ना हो। तो ये लेके आई हूँ मैं डार्क कलर में, और मुझे ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिली है। तो और ये इसके साथ पिलो कवर है दो, तो ये दो लेके आई हूँ। और ये दीपावली पर, दीपावली और हम लोगों के छोटी दीपावली भी छोटी है, मतलब कोई ख़त्म हो गया होगा पहले, कोई ख़त्म हो गया होगा बहुत पहले, तो तब से छोटी है, तो हमारे यहाँ छोटी दीपावली पर भी कोई दीपक वगैरह नहीं जलाया जाता है, और इस बार तो बड़ी दीपावली पर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि घर में जो बड़े बूढ़े अगर चले जाएँ तो दुख तो होता है, फिर उस दिन शायद 13 दिन पड़ेगा, इसके कारण भी कुछ नहीं होगा। तो चलिए फिर मैं दिया को पढ़ा लेती हूँ, बात बहुत सारी हो गई है। तो आज जिस क्या होता, मैं कपड़े धोकर आई थी, और जो हमारे साथ भाभी रहती है उनको फीवर आ गया है, तो सफाई वफाई मैंने करी थी, मिल बांट के कर लेते हैं, अच्छा लगता है, एक साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता है, और टाइम का पता भी नहीं चलता है। टीवी नहीं है मेरे रूम में, लेकिन एक दूसरे से बात करके सब करके बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से दिया को पढ़ाते टाइम। और आजकल क्या दिया है ना, ABCD लिखना सीख गई है थोड़ी थोड़ी, और देखो ये टॉप्स में जो लेके आई थी वही वाले टॉप्स डाल रही है, तो वही वाले मैंने टॉप्स डाले हुए हैं। तो जो दिया के लिए मैं लेके आई थी, वो दिया आजकल ABCD वगैरह छोटा बड़ा लिखना सीख गई, थोड़ा थोड़ा सीख जाएगी। मम्मी देखो मैं ऐप
गाइज मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। यहाँ पर मैं कमेंट वगैरह का रिप्लाई कर रही हूँ तो एक कमेंट आया था मेरे पास कि आप तेरी तो औकात ही नहीं है ये सब खरीदने की, ये सब इतना गंदा कमेंट आया था, ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊँगी। तो इसमें चादर ख़रीद लिया या फिर छोटी मोटी चीज़ खरीद ली तो इसमें औकात कहाँ से आ गई भाई, औकात पर मत जाओ। सो गाइज ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोग के प्यार के लिए दिल से थैंक यू। अगर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। मिलती हूँ कल की वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।